वेलकम टू प्रतीम प्रतीम फार्म। तो गाइस ये वाला वीडियो मोस्ट अवेटेड वीडियो है, मतलब इतने कमेंट्स आप लोगों ने करे, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। तो हम फाइनली लेकर आ गए हैं पुनीत, क्या लेकर आ गए हैं आज? हम स्पेशली आपके लिए ऑन योर स्पेशल डिमांड लेकर आ गए हैं होम टूर ऑफ फार्म टूर। बहुत जरूरी था तो पूरा अभी भी तैयार नहीं हुआ है गाइस, अभी भी बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, लेकिन बहुत ज्यादा तैयार भी हो गया और एकदम पूरा मतलब बहुत मस्त तैयार हो गया। अब आपने बताना है कि कितना मस्त तैयार हुआ है, ठीक है ना? देखिए बताओ, देखो क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा क्या? बहुत अच्छा लगा गाइस, हमने बहुत प्यार से दिल से बनाया है, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट द टूर। वेलकम गाइस। तो गाइस वेलकम से पहले मैं दिखाना चाहूंगा हमारी तख्ती जो आप देख सकते हो, 1313 फार्म्स। इसमें रात को लाइट भी जलती है। ओके हाँ हाँ, एक चीज और, आज हम आपको डे लाइट में टूर दे रहे हैं। अगर कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको पूरा नाइट व्यू का टूर चाहिए, जिसमें पूरी लाइट बहुत अच्छा लगता है। नो डाउट, टेल यू मेरा पर्सनल फेवरेट नाइट व्यू है गाइस, यहाँ जब अंधेरा और सिर्फ लाइट्स जग रही होती है ना, इट्स अ ट्रीट। अगर आपको ट्रीट चाहिए तो बताओ। आप कमेंट करोगे तो हम एक नाइट व्यू का अलग एक फार्म टूर बना देंगे आपके लिए, ठीक है? कमेंट करना। भी है उधर भी है, हमारा वहाँ पर भी लगा हुआ है, आ जाओ अंदर। सबसे पहले एंटर करते ही सब क्या बोलेंगे? वाहेगुरु तेरा शुक्र है। एंड बाय द वे इसमें भी आपका लाइट जलती है, इसमें भी लाइट जलती है। लाइटों का बड़ा तगड़ा प्रबंध कर रखा है हमने। अब यहाँ से पूरा व्यू दिखा दो यार, हमारे पूरे फार्म हाउस ये भी लाइट है, देखिए पूरा व्यू दिखा दो। तो गाइस यहाँ से शुरू करते हैं पुनीत, यहाँ से करें यहाँ से करते हैं, चलो यहाँ से, चलो भैया यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मैं आपको दिखा दूँ, ये है जो हमारे फार्म हाउस के केयर टेकर है पूरी फैमिली, संतोष उनकी वाइफ ललिता, संतोष वहाँ खड़े हुए हैं आप देख सकते हो, और उनकी वाइफ ललिता उनके बच्चे यहाँ पे रहते हैं इस कॉटेज में। इनका वॉशरूम है, किचन है, और पीछे ये स्टोर है जहाँ ये खड़े हुए हैं। ओके ये है हमारा ऑर्गेनिक किचन गार्डन, जिसके बारे में डिटेल पुनीत देगी आपको। गाइस यहाँ पर हमने बहुत प्यार से सब्जियाँ उगाई हैं, यहाँ धनिया है, बैंगन है, यहाँ बहुत कुछ है, बेसिकली वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स। सही पकड़े हैं, फूल गोभी है, और साथ साथ दिखाते हैं हमने पौधों को ना अपने बच्चों की तरह पाल ला है, हाँ, क्योंकि मुझे और रमनी को पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं ग्रीन 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 गार्डन पौधे, और एक भी पौधे में कोई स्टेप करता है ना खत्म, बाय बाय टाटा, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, मैं आपको दिखाऊं बैंगन लगे हुए हैं, ये बैंगन दिखा दो क्लोज, स्वीट से सुंदर से प्यारे से बैंगन, और ये पूरा भरा हुआ है बैंगनों से, यहाँ पे बड़ा कुछ कुछ लगा हुआ है, धनिया लगा हुआ है, गाजर है, मूली है, पत्ता गोभी दिखाते हैं, ये रहा पत्ता गोभी बड़ा, वो देखो वो वहाँ पर, ये देखो ये गाइस, ये सलगम बोला, पत्ता गोभी, वो गोभी है और सलगम है, चुकंदर है, आओ जी आगे आओ, ये देखो सियान क्या दिखा रहा है, दिखाओ भाई, गोभी, पहले वो फूल गोभी थी, अभी वो गोभी है। सियान बताएगा, दोबारा बोलो, पहले हमने देखी थी फूल गोभी, अब है गोभी, नहीं पत्ता गोभी, ये फूल गोभी। गाइस आज सुबह ना जब हम यहाँ आए तो हमने कहा नाश्ते में क्या खाएंगे, तो हमने यहीं से गोभी तोड़ी, आगे अदरक भी है, वहाँ से धनिया तोड़ा और उसकी बनाई गोभी वाली रोटी, गोभी का पराठा, गोभी का पराठा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेथी लगी हुई है, और ये क्या क्या है, बड़ा कुछ लगा है, मुझे तो पता भी नहीं है, सारा संतोष दिखता है। अच्छा पालक भी है बता रहे हैं भाई साहब, चकुंदर, मूली, पालक, बड़ा कुछ है, और ये क्यारियां तो आप देख ली, और ये है हमारा जनरेटर। ओके आओ लेट्स गो, ये लहसुन, ये लहसुन भी है, लहसुन, वो देखो मूली, वो देखो
अंडरग्राउंड होती है अभी निकलेगी। यहाँ पर सब बैठ सकते हैं, यहाँ भी परफॉर्म करने वाला है, ये भी ठीक है। और यहाँ से घर का 360 व्यू आता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखकर। तो ये हमारा पूरा एम्फी थिएटर सीटिंग है, अलग अलग तरह की हमने सीटिंग क्रिएट करी है पूरे फार्म हाउस में। कहीं पर एम्फी थिएटर, कहीं पे लो सीटिंग, कहीं पे हाई सीटिंग, कहीं पे झूले लगाए हैं। तो आइए आगे आपको और दिखाएं। अब आ चुकी है बारी हमारे बास्केटबॉल कोर्ट की। ओके, देख रहे हो हमारी टीम बास्केटबॉल की इतनी शौकीन है। आपने देखा ये स्कूल टीम में है, अपने अपने स्कूल की टीम में है। देखो स्कूल की टीम में तो है, मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि रमीक ने स्पेशली बच्चों के लिए यहाँ लगवाया है। इसे बच्चों के लिए यहाँ प्रोफेशनल वाला ये वाला बास्केट भी होना चाहिए, बॉल भी होने चाहिए और रिंग स्पेशली। तो क्रेडिट गोज टू सेंटर। देखो बच्चों को शौक है, तो हमारा तो फर्ज बनता है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दें। अगर वो खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो खेलो भाई, ठीक है ना। ये आपने देख लिया गाइस बास्केटबॉल कोर्ट। आओ अब नेक्स्ट हमारे अपने जो है, बात सुनो ना, ये बताओ ना कि हमने पूरे गार्डन में कौन से ट्रीज लगाए हैं, कौन से ट्रीज लगाए हैं। ओके, तो गाइस हमने पाम ट्रीज लगाए हैं। आप देख सकते हो एक पाम ट्री है और एक फिश पाम है। तो दो तरह के पाम ट्रीज लगाए हैं हमने, फिश पाम। और यहाँ पर आगे हमने थोड़े से सुंदर सुंदर दिखने वाले ये सब ट्रीज लगाए हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए। और देखो बहुत प्यार से छोटी छोटी चीजें भी चल रही हैं, इनके आसपास क्यारियां बनवा रहे हैं, हर ट्री के नीचे फ्लारी फ्लावर दिखेगा, तो सब चल रहा है। ओके, तो अब आप देख सकते हो ये हमारा आ गया एंटरटेनमेंट सेक्शन। बच्चे झूला झूल रहे हैं और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ साथ, या हम भी बैठ के एंजॉय करते हैं, हम भी झूलते हैं भाई साहब। इसके बाद हमने ये वाला झूला एक और लगाया है यहाँ पर। ये झूला ये बेड में भी बन जाता है गाइस, ये झूले को हम सीधा बेड भी बना सकते हैं और सारी फैमिली एंजॉय करती है। तो बहुत मजा आता है यार यहाँ पर जब धूप के अंदर, ठंड के अंदर, तो इट इज वेरी वेरी फन। सुबह सुबह जब उठ के आके यहाँ बैठते हैं ना, तो ऐसा लगता है वाहेगुरु जी बस शुक्र है, मजा आ गया। तो अब चलते हैं गाइस यहाँ से पीछे, फिर हम फ्रंट में आएंगे। ओके, आओ पहले पीछे चलते हैं। अब हम जा रहे हैं बैक यार्ड के अंदर। ये पूरा पाथवे है, जैसे आप देख सकते हो पूरे फार्म हाउस के अंदर हम पूरा राउंड लगा सकते हैं पाथवे पे चल के। उन्हीं पूरा राउंड लगा दिए, टप टप टप। ये हमारी किचन है यहाँ पर, किचन से बैक साइड की एंट्री है यहाँ से, वो आपको बाद में अंदर से दिखाएंगे हम। अभी हम यहाँ से आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम है, तो रिपेयर चल रही है। देखो ये तो होता ही है, कोई चीज बने और उसमें गलतियाँ ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हमारी पानी की टंकी दिखा दो भाई साहब। ये हमारी पानी की टंकी और ये हमारा प्रेशर पंप। ओके, तो यहाँ से अब हम आ रहे हैं हमारे बैकयार्ड के अंदर। यहाँ पर भी हमने कुछ कुछ सब्जियाँ लगा दी हैं, यहाँ पर जगह बच रही थी, हमने बेसिकली अपने बैकयार्ड को ऑर्चर्ड बनाया है, मगर थोड़ी जगह बच गई थी, तो हमने सोचा जगह क्यों वेस्ट करनी है यार, सब्जियां लगा दो। नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ की लैंड इतनी उपजाऊ है, तो नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ओके गाइस, तो ये पूरा आप देखते हो पूरा zigzag हमने फुटपाथ बनाया है ऐसे इसको वॉक करने के लिए। और जैसे कि पुनीत ने बताया, अब ये हमारा ऑर्चर्ड एरिया है गाइस, ऑर्चर्ड एरिया। इसके अंदर हर तरह के पेड़ लगे, आप ये देख सकते हो, ये है केले के पेड़, ठीक है, ये फ्रूट ऑर्चर्ड है, ये आम के हैं इधर, यहाँ पर आम है, चीकू है, केला है, अमरूद है, नींबू है, और अमरूद भी आ गए हैं, लगने शुरू हो गए हैं गाइस पेड़ों पे। तो ये यहाँ पर सारे हर तरह के पेड़ हमने लगाए हैं, बाकी सब हम जबरदस्त है। ये देख रहे हो कैमरा मोड़ के देखोगे। अब देखो ये हमारा है ट्रैम्पोलिन, क्या बात है सर, क्या बात है सर, पैर ऊपर करके ऐसे वाला।
कमेंट करना क्या हम लिविंग ऑन ट्रैम्पोलिन 24 आवर्स चैलेंज करें। अरे वाह, बड़ा मजा करेंगे, बड़ा मजा आएगा। एक सच बात बताऊं, इस पे 5 मिनट कूदियां मारने के बाद ना सारा दिन का वर्कआउट हो जाता है। मैंने ट्राई किया है, बहुत थक जाते हैं। अब आ गई है बारी हमारे स्विमिंग पूल एरिया। बेस्ट पार्ट इज स्विमिंग पूल। कैमरामैन से मैं बोलूंगा अंदर ना गिर जाए पानी में, क्योंकि कैमरा बड़ी तेज तेज चला रहा है इधर उधर, कोई मजाक नहीं करेगा। गाइस ये है हमारे सनबेड आप देख सकते हो। ये यहाँ पर अपना जब अभी तो धूप ही नहीं है, जब धूप होगी तो यहाँ पे हम आराम से लेट के धूप सेकेंगे। ये है हमारा, अब आप स्विमिंग पूल पूरा दिखा दो यार, पूरा कवर करके। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा पूल एरिया, ये हमारी शावर वॉल। ओके, तो यहाँ पर आप शावर लेंगे हम पहले और फिर पूल में जाएंगे, ताकि भैया जरूरी होता है पूल से पहले भी और पूल के बाद शावर लेना। तो इसके पीछे हमने बनाए हैं चेंजिंग रूम्स। ओके, तो इसके पीछे हमने दो चेंजिंग रूम बनाए हैं, जैसे यहाँ पर हम नहा सकते हैं, उसके बाद शावर, इधर टॉयलेट भी है और वॉशरूम भी है। एक और ये उससे बड़ा है, ठीक है ना। ओके, इधर भी टिशू वाला वो डाल दूंगी। तो गाइस यहाँ पर हमने डलवा दिए हैं ये, ताकि पानी वानी और थोड़ा ब्यूटीफिकेशन से अच्छा रहेगा, यहाँ पानी गिरेगा शावर के बाद। गाइस एक मजे की बात बताऊं, कैमरा मैन यहाँ आओ, देखो गाइस हमने इस एल सेक्शन में ना पीछे बाउंड्री पे सारी बैम्बूज लगा दिए। ये एक तो इनकी हाइट अच्छी होती है और ये बहुत घने होते हैं, तो ये हमारे को ऑटोमेटिक बाउंड्री देंगे। कैमरामैन थोड़ा पैर संभालते हुए, गिरना नहीं है किसी भी। तो ये एक वॉल क्रिएट हो जाएगी बैम्बू की, ठीक है ना, बहुत ही जबरदस्त लुक देगी एल शेप के अंदर। हाँ, ये हमारी है जकूजी। अच्छा वो बस अंदर नहीं खाना, पानी है उसमें, पानी है। अरे यार बस कर, यस। तो ये 6-सीटर जकूजी है, उधर से डाइव भी जा सकती है, लेकिन भैया डाइव करनी नहीं है, बिकॉज वाटर हाइट जो है ना स्विमिंग पूल की बहुत कम है, सिर्फ 5 फुट है, तो डाइव नहीं कर सकते, नो डाइविंग। तो रहन दो फिर, हम पूल को जाते हैं। ये पहले ये देख, अब ये है हमारा सीटिंग एरिया, एक और सीटिंग एरिया। यहाँ पर हमने एक बारबेक्यू बनाया है, जो की परमानेंट बारबेक्यू है, इसके अंदर हम जैसे कुछ भी बना सकते हैं। और ये कोजी सीटिंग बनाई है, बारबेक्यू की तरह यूज करो इसको, इंगीठी की तरह यूज करो, बैठो चिल करो, गप्पे मारो, जो मर्जी करो, ये भी ठीक है। और पीछे से खाना लेते रहो, खाते रहो, ये भी कर सकते हैं। और ये है गाइस हमारी बार, वो कहाँ चढ़ रही है, तो यार मैं जो कर दूं गाइस मेरे पीछे पीछे ये चढ़ जाते हैं। यस एग्जैक्टली, कुछ भी कर लो इनके साथ। तो ये है हमारी बार, राजा जी। अभी इस बार का हमने एक ऊपर कवरिंग बनानी है, जब वो बन जाएगी इस बार का आपको अलग से एक डेमो दूंगा पूरा। ये है यहाँ पर हमारा ओपन एरिया, ओपन प्लस कवर्ड दोनों ही है, ये कवर्ड है और ये यहाँ पर सोफा सेट है, अभी बिगड़ा हुआ है जरा, इसकी भी सेटिंग करनी है मैंने, तो इसकी भी सेटिंग कर दूंगा। ये हमारा एक सोफा सेट यहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है जी। yes. ये पाथवे आगे चल रहा है, ये अब आप देख सकते हो, अब यहाँ से ये मेन गेट की एंट्री है, जो हम वहाँ से यहाँ आए। गाइस आपने एक चीज नोट करी होगी, आप देखो जब हमने एंटर किया था नीचे की टाइलें दिख रही थी, हम आगे आए फिर बदल गए, आगे आए यहाँ फिर बदल गए,
और उस तरह का ही फिर बदल गई। तो सोच लो कि इसके अंदर हमने बहुत हार्ड वर्क डाला है यार। टाइलों में भी हमने बोला कि नहीं अलग अलग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो हम अंदर गए ही नहीं। ये है हमारी पोर्च, यहाँ पर गाड़ी आती है हमारी, ऐसे आप देख सकते हो पूरा राउंड लेके, सो हमें गाड़ी बैक ना करनी पड़े, हमने यहाँ पूरा राउंड बनाया है। और ऐसे उल्टा नहीं जा रहा कि इधर से आए इधर से निकलता है। हाँ ठीक है, ऐसे एक राउंड में जाना है लेफ्ट से राइट, ऐसा अलग अलग नहीं टक्कर हो जाएगी। सही पकड़े हैं। तो गाइस ये था हमारा पूरा बाहर का आउटडोर का फार्म हाउस टूर, अब पूरा अगर आपको दिखाने लगेंगे तो एक घंटे की वीडियो बन जाएगी। अभी हम आज के लिए पुनीत इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अंदर का हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे और मजा करेंगे, बहुत सारी चीजें और शेयर करनी है आपके साथ, सो कहीं नहीं जाना, अगला वीडियो जरूर देखना। यस, तो फार्म हाउस टूर पार्ट टू कमेंट जरूर करना ताकि हम जल्दी जल्दी बनाए, क्योंकि आज हम इतना ही बना रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहना, हमें कमेंट करना, हम बहुत जल्द लेके आएंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को हिट लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा देखने के लिए, फार्म हाउस वार्मिंग एंड सेलिब्रेशंस वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल आरएस 1313 व्लॉग्स पे। गाइस हाउस वार्मिंग वाज सुपर नाइस, देखने के लिए क्लिक किया, क्लिक 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 क्लिक, बहुत अच्छी वीडियो है, क्लिक 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 क्लिक।